मुझे क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। नवादा में चोरों का आतंक ऐसा बढ़ता है कि शादी के घर पे ही लाखों के माल पर हाथ साफ कर लेते हैं, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि SBI बैंक के सीनियर क्लर्क का है। सीनियर क्लर्क के घर में जो है चोर घुसते हैं और वहाँ लाखों की चोरी कर लेते हैं। नवादा नगर थाना क्षेत्र के पातालपुरी मोहल्ले में SBI बैंक के सीनियर क्लर्क के घर में चोरों ने हाथ सफाई कर दिया। चोरों की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। दरअसल बुधवार की रात SBI ब्रांच के सीनियर क्लर्क संजीव कुमार के घर में चोरी की गई है। संजीव कुमार के बड़े भाई अंजीत कुमार ने बताया कि हम लोग 14 को अपने गांव गए थे। 15 नवंबर को फोन कर जानकारी मिला कि घर का ताला टूटा हुआ है। जब यहाँ पहुंचे तो देखे कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। सोना चांदी TV और अन्य कीमती सामान और नगद रुपया लेकर चोर फरार हो गए थे। चोरों के द्वारा घर का पहला ताला तोड़ा गया और फिर घर में प्रवेश करके गोदरेज और सामान को तोड़ तोड़ कर चोरी कर ली गई। वहीं बगल के घरों में भी बाहर से ताला मार दिया गया था, लेकिन कोई भी लोग बाहर ना निकले और चोरी करके घटना को जो है अंजाम देकर जो चोर है वो निकल गए। अंजीत कुमार ने बताया कि मेरी बहन की 24 नवंबर को शादी है और शादी की तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं, और इसी दौरान घर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इस पूरे मामले पर DSP अजय कुमार ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है, आज की जांच की जा रही है और जल्द ही चोर जो है वो पकड़ा भी जाएंगे और इस चोरी की घटना को पर्दाफाश किया जाएगा। तो देखिए, शादी का घर किस तरह से चोरों का ठिकाना बन जाता है। लोग जब घर से बाहर रहते हैं तो ताला तोड़कर चोर घर के भीतर घुस जाते हैं और लाखों के नगद पर हाथ साफ कर जाते हैं। तो बिहार में आए दिन और खासकर राजधानी पटना में आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है, और अब तो नवादा में जो है चोरों ने ऐसा आतंक फैला रखा है कि एक शादी के घर में जाते हैं और ये घर किसी और का नहीं बल्कि एक ब्रांच के यानी SBI के सीनियर क्लर्क हैं उनके घर पर चोरों ने चोरी कर डाला। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगी इसके साथ हम हाजिर होंगे। SBI के जो सीनियर क्लर्क हैं उनके भाई की बातों को सुनवा। इस बिल्डिंग में मेरे भाई संजीव कुमार जो स्टेट बैंक में क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं वो यहीं रह रहे थे। फिलहाल मेरे घर में शादी था जिसके वजह से दीपावली से पूर्व हम लोग घर गए हुए थे, और कल दिनांक 14/11/2023 को ताला तोड़कर चोरी कर लिया गया, जिसमें से लगभग 50,000 का कैश था और कुछ ज्वेलरी था जो 50-60,000 के आसपास में होगा। उसके बाद टीवी था और कुछ इम्पोर्टेंट कपड़ा लत्ता वगैरह था जो यहाँ से चोरी कर लिया, और उसके बाद में लॉकअप जो था वो भी तोड़ दिया गया पूर्ण रूप से, और यही था। कितना का चोरी हुआ क्या लगता है? ये लमसम 1 लाख के आसपास में होगा, 1,10,000-20,000 के आसपास। आसपास के मकानों को भी कुछ? हाँ जी जी, आसपास के जो मकान थे उसमें लॉक कर दिया गया सभी मकानों को, और हम लोग तो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे तो परिस्थिति को दुकानदार जो मेरे सामने वाले उन्होंने कॉल किया सुबह में, चूँकि हम लोग शादी में बिजी थे, और मैं तुरंत जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिला मैं यहाँ आया और देखा तो पूरा लॉकअप टूटा हुआ है और सामने का भी लॉकअप टूटा हुआ है, साथ ही जो मेरा गोदरेज था उसका भी पूरे पूर्ण रूप से उसको मतलब तोड़ दिया गया है, और वहाँ से कैश के रूप में जो 50,000 रुपये रखा हुआ था, शादी चुकी था तो रखा हुआ था कुछ पैसा, चूँकि हम लोग आते थे और फिर चले जाते थे, और ज्वेलरी था। मैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हूँ एक उपनिरीक्षक के रूप में, और मेरा भाई जो है बैंक में है, मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं। मैं उपनिरीक्षक काजपालक अंजीत कुमार हूँ।